मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुन्द्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, ये शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल। समंदर के गहरे पानी में मैं यही सोच रहा था कि हमारे भारत का वैभव, उसके विकास का स्तर कितना ऊंचा रहा है। मैं समुद्र से जब बाहर निकला तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ साथ मैं द्वारिका की प्रेरणा भी अपने साथ लेके आया। विकास और विरासत के मेरे संकल्पों को आज एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। विकसित भारत मेरे लक्ष्य से आज दैवीय विश्वास उसके साथ जुड़ गया।